दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर जैसा कि वीडियो देख सकते हैं स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह का प्रोफेशनल स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 2 से 3 वीडियो शूट करना है आउटडोर, जो कि बैकग्राउंड में आपको पेड़ खोदा ज्यादा होना चाहिए कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे 2 वीडियो शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। वीडियो के आगे तरफ लेकर आना है, 8.1 पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो फिर से हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं वीडियो कुछ आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अभी भी एक्स्ट्रा पार्ट कुछ दिख रहा है, तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, तो आपका वीडियो अब कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस बीच में आना है, लेयर पे मीडिया पे आना है और अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक वीडियो को शूट कर रखा हूँ, वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपको स्लो मोशन करना है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, यहाँ पर आपको 0.5 करने के बाद सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है, इसमें हमें 2 से 3 सेकंड का पार्ट चाहिए, तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को आई तरफ लेकर आना है और हमें यहाँ पे 2 से 3 सेकंड तक का पार्ट चाहिए, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन देना है वीडियो, इसके बाद इस बीच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पीड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें स्पीड आउट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को आपको ऑफ कर देना है, और जो आपका जो वीडियो है इसमें आपको ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।